नमो रियंता नमो सिद्धाणम नमो एरिया नमो जैनम नमो लोहे सब बधावण में समझ नमो कारो सब भाव प्रणासन मंगलन जत बीज मनो मंगलम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्तुति मद्राध्या जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वरिष्ट प्रणासाय सर्वाभिष्टार्थदायिने सर्वलब्धिनिधानाय गौतम स्वामिने नमः अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। एक स्टेपलर पिन लोहचुंबक के पास थी। वो चुंबक को एक मिनट में उनको खींचना था, मगर स्टेपलर पिन ऐसी ही पड़ी रही। चुंबक ने कुछ नहीं किया। स्टेपलर पिन के मन में एक शंका पैदा हो गई कि क्या हुआ, ये चुंबक ने अपनी ताकत गुमा दी क्या? और उसने वहां ही जाकर के पूछा कि मुझे खींचने की तो मेरे पास जो क्षमता थी वो कहाँ गई? क्षमता कमी मेरे में थी, आप में थी? तब इसने दो बात बताई, मेरे में तो वही ताकत है, मुझे तो खींच सकता हूँ, मगर दो कमजोरी तू लेकर के बैठे। पहली कमजोरी, डिस्टेंस मेरे और तेरे बीच में जो होना था थोड़ा ज़्यादा था। मैं खींच सकता हूँ मगर मेरी मर्यादा में जो रहता है उनको। और नंबर दो, कभी तू एकदम नज़दीक भी आ गई फिर भी मैं हेल्पलेस अपने आप को महसूस कर सकता हूँ यदि तेरे पर जंग लग गया है तो। दो चीज, परमात्मा के मंदिर में जाने के बाद, सामायिक प्रतिक्रमण नौकरवाणी गिरने के बाद, दानशील तप भाव सब कुछ करने के बाद, यदि हमारे में कोई बदलाव नहीं है, कमी सामायिक की नहीं है, कमी प्रतिक्रमण की भी नहीं है, कमी परमात्मा के दर्शन की भी नहीं है, कमी विकास ना बेचना बल्कि नहीं है, कमी खुद में है। एक लड़का परमात्मा के मंदिर के पास गया और मंदिर के दरवाजे को खटखटाया। खटखटाने के बाद परमात्मा को मैसेज दिया अंदर कि भगवान सचमुच तू अंदर हो तो ही दरवाजा खोलना। बहुत छलावा मैंने देखा आज तक, बहुत मंदिर में जाकर के दरवाजा खटखटाया, मगर आज वार्निंग देता हूँ तुझे, अंदर है तो ही दरवाजा खोलना तुम। उसने सोचा भी नहीं था, भगवान दरवाजा खोलेंगे नहीं खोलेंगे बात अलग है, मगर अंदर से परमात्मा की आवाज़ आई, मैं अंदर बैठा हूँ, वो श्रद्धा हो तो ही दरवाजा खटखटाना। हम भगवान को चैलेंज करते कि भगवान तू अंदर हो तो ही दरवाजा खोलना। भगवान मुझे और आपको पूछते, तेरे पास मेरे प्रति श्रद्धा है क्या? डाउट लेकर के बैठा है, मंदिर में जाता तो हूँ, शायद भगवान होंगे, ये शायद वाला गया काम से। तो आज पर्वादी राज परीक्षण को लेकर के तीन बात आपके सामने रखना चाहूँगा। आज तीसरा दिन है, वार्षिक 11 कर्तव्य है, कम समय में इतनी सब कुछ बात नहीं बता सकता हूँ, मगर अल्टीमेट गोल हमारा क्या होना चाहिए वो बात आपसे बताना चाहूँगा। 99% संसार के जीवों की एक मानसिकता है, वो अपनी आकृति को संभाल के बैठे हैं। आपकी परिभाषा में जिनको पर्सनालिटी डेवलपमेंट कहते हैं, कपड़े अच्छे, बाल साफ सुथरे, पैर अच्छा, बॉडी अच्छी, गाड़ी अच्छी, बंगला अच्छा, लोन अच्छा, स्विमिंग पूल अच्छा, कब रखा भी अच्छे, फर्नीचर अच्छे, टीवी अच्छा, वीडियो अच्छा, मोबाइल फोन अच्छा, पूरी जिंदगी भर तक वो कहीं भी जाते बस आकृति टॉप चाहिए, सामने वाला इंप्रेस होना चाहिए। एक बार ऑब्जर्व करेंगे तो पता चलेगा
पूरे दिन में करीबन जागृत अवस्था के 3/4 से ऊपर हमारा समय इसमें ही जाता होगा। शायद सिर्फ देखते सामने में लड़का देखने के बाद हम सुखी मान लेते, कभी हमने उनको पूछा नहीं कि सचमुच तो सुखी है क्या। एक आदमी जा रहा था रास्ते पे BMW की गाड़ी लेकर के, और रास्ते पे एक आदमी खड़ा था, ड्राइविंग सीट पे बैठे हुए BMW गाड़ी के ड्राइवर को देखा, वो हक्का बक्का रह गया। ये मेरा क्लासमेट था, ये BMW गाड़ी का मालिक कब बन गया, बेचैन बन गया। पत्नी ने पूछा क्या हुआ, अरे यार पहली बार देखा कि मैं जिसके साथ पढ़ा था वो BMW का मालिक बन गया, मेरे पास बाइक का ठिकाना नहीं। पूरे दिन भर तक वो व्यस्त रहा। पत्नी समझो थी, समझदार थी, उसने बोला चिंता मत करो। क्या चिंता मत करो, जिंदगी फैल गई मेरी, उसने बोला मैं आती हूँ। 2 दिन के बाद पत्नी आई और उसने बोला मिठाई खाएंगे, इसलिए ऐसा न्यूज़ लेकर के आई तो मिठाई खा पाएंगे। क्या हुआ, आपने आपके क्लासमेट को देखा था ना BMW गाड़ी का मालिक बन गया, मैं वो देख के आई, सब ऑब्जर्व करके आया, एक सेठ के वहाँ नौकरी करता है वो ड्राइवर है, पूरा नशा उतर गया कि जिसको मैं मालिक बनता था वो तो ड्राइवर है। नाउ आई वुड लाइक टू से यू, हमारे वहाँ मुनि को विभूषा जहर कहा गया है, आकृति को संवारना। मुनि कभी ये नहीं सोचेगा मेरे कपड़े कितने अच्छे, मेरे बाल कितने अच्छे, मेरी पर्सनालिटी कितनी अच्छी, मुनि जीवन को उसमें से डिलीट कर दिया है। एक कम पूछना खुद को, आकृति के पीछे जिंदगी का कितना समय हमने गवा दिया। सोफा सेट कभी कभी तो मैं देख के हैरान हो जाता हूँ, घर में नया नया सोफा सेट आता है ना, पत्नी खुद अपने पति को बैठने नहीं देती, वो बोलती कि तुम बैठेंगे तो बिगड़ जाएगा। अरे मैं तो सोफा सेट लाया हूँ घर के लिए लाया हूँ, नहीं तुम बैठेंगे तो बिगड़ जाएगा। तो ये आकृति को पूरे दिन भर तक सही रखने का प्रयास बहिर्मुखता है, खत्म हो जाएगा। सेकंड स्टेप, आकृति से थोड़ा ऊपर उठने वाला वो अपनी कृति को बचाता है। अपनी कृति वो सिर्फ बाहर का सब वैभव दिखाना नहीं चाहता है, वो चाहता है कि समाज में मेरी कुछ गुडविल भी बने। चैरिटी भी करेगा, किसके घर पे भी जाएगा, कॉपरेट भी करेगा। एक पर्सनालिटी डेवलप करने के बाद उनको लगता है कहीं मेरी छवि भी तो अच्छी होनी चाहिए, एक भिखारी भी तो मेरा नाम लेना चाहिए। ये कृति परमात्मा की पूजा, सामायिक प्रतिक्रमण, तप, त्याग, भक्ति, व्यावत, दानशील, तप, भाव, सब कृति है, जिसको भगवान महावीर देव ने आचार धर्म कहा है। 100% उनके बिना जीवन का कोई ठिकाना पड़ने वाला नहीं है। मगर फिर भी मैं कहूँ, आकृति के बाद कृति मायना नहीं रखती, माइलस्टोन निश्चित है, मगर आपको कृति से भी ऊपर उठना है, और वो कृति से ऊपर उठना वही जीवन की सबसे बड़ी चैलेंज और सबसे बड़ा अल्टीमेट मेरा और आपका गोल होना चाहिए। सच बोलो, हॉस्पिटल में से डिस्चार्ज लेने के बाद आपको कोई पूछे कि तुम क्या लेके आए, आपको बोलना पड़ेगा लेके कुछ नहीं आया, छोड़ के आया। शरीर में जो कमजोरी थी, जो डिसीज थी, वो छोड़ने के लिए हॉस्पिटल में गया था, कुछ पाने के लिए नहीं गया था। तो हॉस्पिटल वो होती है जहाँ पाना कुछ नहीं होता है, छोड़ना होता है, वो निकल जाए माने उनका नाम स्वास्थ्य है। तो परमात्मा की भक्ति करते 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 मुझे क्या करना है, एक आकृति डेवलप करना। देवलोक के देवता के पास पूरी आकृति टॉप है, कोई लंबा फर्क नहीं पड़ता है। नालायक के पास भी कृति अच्छी हो सकती है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मगर कृति के सामने एक बहुत बड़ी चैलेंज, दीक्षा जीवन के इतने साल के बाद, और शायद आप धर्म के क्षेत्र में
आपका प्रथम प्रवेश हो तो भी जिंदगी भर तक न आकृति पर ध्यान, न आकृति को लेकर के अपने को सेटिस्फेक्शन। तीसरे नंबर का गोल है मेरी प्रकृति में क्या बदलाव है। न आकृति न कृति मगर प्रकृति। पूरा जिन शासन आपको जो कुछ भी बदलना है बदलो, मगर अल्टीमेट तो आपके लिए प्रकृति का बदलाव वही परमात्मा की भक्ति का श्रेष्ठतम फल है। मैं आपको बताना चाहूंगा, आकृति चाहे बिगड़ी हुई हो, कृति लोगों को आकर्षित न भी करती हो, मगर यदि प्रकृति आपकी शालीन हो, लोग आपके पीछे पागल बन जाएंगे। आकृति कितनी भी अच्छी हो, कृति आपकी कितनी भी टॉप हो, मगर प्रकृति आपकी बिगड़ी हुई हो, लोग एक मिनट में आपसे दूर हो जाएंगे। मैं इतना ही कहूंगा, क्षमापना का पर कर्तव्य वो प्रकृति को बदलने का कर्तव्य है। कभी कभी मुझे आपको पूछने का मन होता है, शायद आपने कोई मित्र ऐसा रखा होगा, आपको उसने कहा होगा, दोस्त ये जो मैं करता हूं ना, 10 साल के बाद मैं भूल न जाऊं ना, मुझे याद कराना यार। समेत जिक्र की यात्रा पे गए, पहली बुझा ली, आपके मित्र को आपने कह दिया, यार 20 साल बाद में मुझे याद कराना कि समय शिखर की यात्रा में 1 लाख रुपए का मैंने खर्च किया था। सच बोलो, इतने दिन भर तक, इतनी जिंदगी भर तक आपने कई मित्र ऐसे रखे होंगे कि जिसको आपने बता दिया होगा, मैं भूल जाऊं तो मुझे याद कराना, पेमेंट मैंने दिया याद कराना, मैंने बिजनेस किया याद कराना, बहुत कुछ आपने किया होगा, मगर आज तक तुमने कभी ये नहीं कहा होगा कि दोस्त ये मैं याद न रखूं, उसके लिए मुझे तू भुला देना। नेवर। किसी को आप, किसी ने आपको गाली दी है, आप कोई मित्र ऐसे नहीं रख सकते कि उसकी गाली में भूल जाऊं, ऐसा मुझे कोई याद करा देना। इनका अर्थ, सही को याद कराने के लिए हम दूसरे का कॉपरेशन ले सकते हैं, मगर गलत को भूलने के लिए किसी का कॉपरेशन काम नहीं लगता है, मुझे ही तो भूलना है। तो आज मैं आपसे इतना कहूँगा, आपने देखा होगा कभी कभी भोजन में मिर्ची ज़्यादा आ जाती है ना, आप भोजन फेंक भी नहीं सकते हो, खाना ज़रूरी है। आप क्या करते हो मालूम है, वही मिर्ची में थोड़ी शक्कर ऐड कर देते हो, और मिर्ची की जो तिखास थी वो कम हो जाती है। करेला की सब्जी तुम खाते हो, बहुत कटु लगती है सब्जी, तुम फेंकना नहीं चाहते हो, तो सब्जी में आप थोड़ा गुड़ ऐड कर देते हो ताकि सब्जी का कटुपन कम हो जाए। मिर्ची कम नहीं हो सकती है, शक्कर ऐड कर दो, कटुता कम नहीं होती है, गुड़ ऐड कर दो, और चीज तीन, आपको लगता है कि सामने वाले व्यक्ति के प्रति मेरे मन में जो द्वेष है, दोष है और दुर्बुद्धि है, तीन बात, द्वेष खराब, दोष खराब, दुर्बुद्धि खराब और दुश्मनी खराब, चार चीज को यदि मैं कम करना चाहता हूं और कम नहीं होती है, जीवन को तबाह नहीं करना है, सब्जी फेंक नहीं देनी है, खानी तो है ही, शक्कर ऐड कर दे, गुड़ ऐड कर दे, तो जीवन को खत्म नहीं करना है, तो द्वेष, दोष, दुर्बुद्धि और दुश्मनी यदि मैं उनको खत्म नहीं कर सकता हूँ, भगवान महावीर का संदेश, दोस्त एक बार प्रेम ऐड कर दे, लव जैसे ही ऐड हो गया, कटुपन तिखास सब कुछ खत्म होगा और जीवन जीने का एक नया तरीका मिलेगा। मैं रिपीट करना चाहूँगा, भगवान महावीर की 12.5 साल की साधना की बात, 2 दिन के बाद
कल्पसूत्र के प्रवचन में आएगी 3 दिन के बाद। भगवान की तीनों टॉप आकृति टॉप आपको मालूम नहीं है? त्रिषष्ठी शलाका पुरुष चरित्र में देवलोक के इंद्र ने भगवान की स्तुति करके ये शब्द लिखा है कि भगवान हम जिस आसन पे बैठे वो आसन हमसे भी तो ज्यादा नसीबदार है। इसलिए नसीबदार है कि आपका 5 कल्याणक होता है तब हमें पता बाद में चलता है, हमारे आसन को पता सबसे पहले चल जाता है। ऐसी परमात्मा की आकृति, करोड़ों देवता परमात्मा के पीछे पागल है, ये आकृति। नंबर 2 भगवान की कृति, 12.5 साल की साधना में भगवान की कृति का वर्णन जब सुनेंगे मन स्तब्ध रह जाएगा, शरीर के रोंगटे खड़े हो जाएंगे, नतमस्तक हो जाएंगे और मे बी पॉसिबल आंख में से आंसू की गंगा बहनी शुरू हो जाएगी। मगर इतना ही पर्याप्त नहीं था, आकृति और कृति के बाद परमात्मा की जो प्रकृति थी वो प्रकृति नहीं परमात्मा को केवल नाम की प्राप्ति करा दी। 12.5 साल में भगवान ने किसी भी व्यक्ति पर एक भी टाइम कषाय नहीं किया। सकृदपि नो कषायम कृतवान, ये प्रभु की प्रकृति। तो मैं चाहता हूँ हमारी आकृति पुण्याधीन है, हमारी कृति पुरुषार्थाधीन है, हमारी प्रकृति समझहीन है। अंडरस्टैंडिंग न पुण्य की जरूरत है न पुरुषार्थ की जरूरत है, समझ शक्ति सहन शक्ति और संवेदन शक्ति ये हमारी प्रकृति को बदलने की बहुत कुछ बड़ी ताकत रखती है। आज मंगल संदेश देता हूँ, न आकृति की चिंता करो न कृति की चिंता करो, प्रकृति को गोल पे रखो और कैसे अच्छी बने उनके लिए हर संभव प्रयास करो। यही मेरी ओर से आप सबको मंगल कामना। सर्व मंगल मंगलम सर्व कल्याणकारिणम प्रधानम सर्वधर्मणम जय नम जय श्री कृष्ण।